आर द बेस्ट डॉटर इन द वर्ल्ड. हाँ उठ गए बाबा. ना लेटर है लेटर है. आपको पता है आपके डॉक्टर ने मना किया हिलने से. इट्स नॉट गुड फॉर यू एंड यू आर द क्यूटेस्ट फादर इन द वर्ल्ड. अगर मैं क्यूटेस्ट डैड होता तो तुम उससे खफा तो ना होती. खफा कौन है? कोई भी खफा नहीं है. झूठा लड्डू. झूठा नहीं सच्चा लड्डू. तुम्हें रोहान पसंद नहीं आया? पापा उसने शुरू में जो हरकतें की थी ना उसकी वजह से वो मुझे बड़ा वियर्ड सा लगा. बट फिर तुमने उससे मंगनी कर ली. क्योंकि बाबा मुझे पता है आपने और दादू ने मेरे लिए जो भी फैसला किया है वो मेरे हक में बेहतर होगा. एंड आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन. लेकिन एक झूठ उसी शिकायत है. क्या? बाबा मुझे लगा जब मेरी फिल्म मेकिंग की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आप मुझे मेरा क्राफ्ट मेरा आर्ट प्रूव करने का एक चांस देंगे. लेकिन उसके फौरन बाद आपने मेरी शादी तय कर दी. बेटा जब मैंने इस ट्यूमर का सुना तो मैं पैनिक कर गया. मैं ऑपरेशन से डर गया. मैंने सोचा कि तुम्हारी शादी इस ऑपरेशन से पहले हो जाए. खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था. खैर अब तो बायोप्सी की रिपोर्ट भी आ गई है. देखते हैं क्या होता है. बेटा आई ओ यू अपॉलोजी. मुझे तुमसे पूछना चाहिए था. तुमसे परमिशन लेनी चाहिए थी. मैंने तुम्हारी शादी ऐसी डिसाइड कर दी. कोई अपॉलोजी की जरूरत नहीं है. क्या हो गया? नहीं बेटा was wrong. बिल्कुल नहीं. मुझे पता है कि आपने और दादू ने मेरे लिए जो भी डिसीजन लिया है उससे बेहतर डिसीजन हो ही नहीं सकता. लव यू.